हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। और तुम लोगों को जैसा कि मैंने वादा किया था भाई, आज मैं ला चुका हूँ तुम लोगों के लिए माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड डाउनलोड का लिंक। लेकिन यार तुम लोग फटाक से भाई उस लिंक को क्लिक मत करना, क्योंकि मैं तुम लोगों को काफी सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो तुम लोगों को शायद तक जान लेनी चाहिए, क्योंकि यार थोड़ा थोड़ा इशू हो सकता है तुम लोगों को उस फाइल के साथ। एनीवे तुम लोग देख सकते हो वर्ल्ड काफी ज्यादा बदला हुआ सा दिख रहा है, तो एक क्विक होम टूर भी रहेगा भाई तुम लोगों का, पूरा वर्ल्ड का टूर दूंगा मैं एक मस्त सा। और उसके अलावा वर्ल्ड डाउनलोड लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, सो लेट बिगिन। तो गाइस स्टार्टिंग विद वो सारी चीजें जो कि मैं लास्ट टाइम अपने सर्वाइवल टूर में नहीं दिखाया था, तो सबसे पहले आता है भाई हम लोगों का ये मस्त सा स्टैच्यू जो कि हम लोग बनाए हैं यार ये डायमंड पिकेक्स को दिखाने के लिए, और काफी ज्यादा सही लगता है भाई मेरे को। थोड़ा सा इसको मैं लेफ्ट साइड बनाना चाहता था, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं था कि वो कितना उधर जाएगा। बाय द वे वो काफी सही है। इसके अलावा हम लोग ये सारी जगह पे ये पाथवे दोबारा से दे दिए हैं, पहले मैं बीच में इसको रिमूव कर दिया था और अब वापस से मेरे को इसको बनाने में काफी मजा आ रहा है। और सेंटर में ये है हम लोगों का ट्री जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है भाई, एकदम पीसफुल लगता है इसको देखने में। और आसपास कोई स्केलेटन था भाई, पता नहीं किधर घूम। कोई बात नहीं, यहाँ पास है होटल हम लोगों का, तो ये जो होटल है इसके अंदर तरफ काफी सारे विलेजर्स को हम लोग और ऐड कर दिए हैं। और तुम लोगों को जो वर्ल्ड मिलेगा यार वो लेटेस्ट वर्ल्ड रहेगा, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर सारे विलेजर्स एकदम अलग टाइप से है। और मेरे साथ एक छोटा सा ग्लिच हो गया था भाई, क्योंकि ये जो 1.17 का अपडेट आ चुका है और मेरा जो वर्ल्ड है वो 1.17 में है, तो उसमें क्या अभी तक शेडर्स आए नहीं है, इसलिए मेरे को इसको डाउनग्रेड करके खेलना पड़ रहा है। तो तुम लोगों को कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ मॉब्स ना दिखें, जैसे कि उस फार्म में तुम लोगों को भी मॉब्स नहीं दिख रहे होंगे। तो चलते हैं हम लोगों की नेक्स्ट चीज की तरफ जो कि है हम लोगों का घर। तो भाई ये घर काफी ज्यादा ओपी है, तुम लोगों को मैं इसका वो दे दूंगा ऊपर तरफ लिंक, जिससे तुम लोग जा सकते हो अलग अलग एपिसोड्स को चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पास अंदर तरफ पूरी इंटीरियर डिजाइनिंग हो रखी है, और हम लोगों के काफी सारे फ्रेंड्स है जो कि इस वर्ल्ड में खेलते हैं, तो उन लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का रूम बना हुआ है भाई हर जगह। जैसे ये रूम हम लोगों के एक पर्टिकुलर फ्रेंड का है भाई, देखो एंडलेस V4, तो मेरा जो V4 फ्रेंड है भाई उसका ये घर है। और इसी तरह से हम लोगों के और भी फ्रेंड्स है, सबका घर है भाई यहाँ पास। तो फिलहाल तो उसको हम लोग रहने देते हैं और चलते हैं सबसे नीचे फ्लोर पे। तो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेरा हंगर काफी बढ़ गया यार। तो मैं ये बोल रहा था अभी हम लोगों का नेक्स्ट लोकेशन है ये वाला फर्नेस रूम। तो सब जगह की डेकोरेशन तुम लोगों को और पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड लग रही होगी भाई, लेकिन क्या करें यार इसमें अभी भी कई कई जगह पे काफी सारे ग्लिचेस होते रहते हैं। जैसे यहाँ पास जितने भी रेल कार्ड थे वो तुम लोगों को अभी नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन चिंता मत करो, तुम लोगों को जो वर्ल्ड मिला है उसमें सब चीज होना चाहिए। और अगर नहीं भी होगा तो भाई थोड़ा सा प्लेस कर लेना है, इतना तो मेहनत कर ही सकते हो भाई। बात कर लेते हैं फूड की, तो भाई यहाँ पास काफी सारा फूड है मेरे पास अभी, और हम लोग अपने वीट फार्म को बदल करके बना दिए थे पूरा पोटेटो फार्म। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम लोगों के पोटेटो फार्म की, तो भाई ये काफी ज्यादा अच्छा फार्म है भाई, तुम लोगों को फूड की कभी जिंदगी में कमी नहीं होगी। तो ये फंडा कुछ ऐसा रहता है कि अंदर तरफ एक विलेजर रहता है, वो तुम लोगों को दिख रहा होगा कोने में, पता नहीं क्या कर रहा है, पेशाब कर रहा था, तो वो आ जाता है इधर तरफ और आके यहाँ पास इसको पोटेटो दे देता है, जिसके कारण वो नीचे गिर करके हम लोगों को इस चेस्ट में कलेक्ट हो जाता है। तुम लोग देख सकते हो कितना ज्यादा भरा हुआ है भाई, बुरी तरीके से भरा हुआ है ये। तो इस तरीके से हम लोगों का जो फार्म है वो वर्क करता है। ये रहा हम लोगों का अब वूल फार्म। तो भाई वूल तो हम लोगों को इतने ज्यादा मिलते हैं कि मैं बता नहीं सकता। अपने फर्नेस रूम में मैं वूल को एज अ फ्यूल यूज करता हूँ भाई, तो तुम लोगों को हो सकता है ये काफी ज्यादा पसंद आए भाई, इसको जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, तो गाइस अब यहाँ पर हम लोगों का आता है पंपकिन फार्म, जो कि काफी ज्यादा बड़ा कर दिया हम लोग पहले के मुकाबले। और इधर तरफ काफी सारे पंपकिन मिल जाते हैं हम लोगों को, और तुम लोगों को मालूम होगा कि भाई पंपकिन के कारण काफी अच्छी खासी ट्रेडिंग हो जाती है, तो एमरल्ड भी हम लोगों को काफी बढ़िया से मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का जो है वो है चिकन फार्म, और यहाँ पास भाई चिकन के अंडे बाहर तक निकल के आ गए हैं, तुम लोग देख सकते हो यार। यहाँ पास मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि जितने भी यहाँ पास चिकन है वो एग देते हैं, और वो यहाँ पास डिस्पेंसर से डिस्पेंस होकर इस तरीके से हम लोगों का सेंटर में कलेक्ट हो जाता है, और हम लोग अपने एग्स की मदद से इसको मार के यहाँ पास पूरा कलेक्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है भाई, और यही सबसे ज्यादा एफिशिएंट है गाइस। जो ऑटोमेटिक वगैरह रहता है वो उतना अच्छे से वर्क नहीं करता जितने भी अपडेट आए हैं उसके बाद। तो गाइस अभी यहाँ पास एक चीज थोड़ी सी छूट गई थी भाई, वो ये था कि इसके अंदर तरफ है हम लोगों के सिक्योरिटी गार्ड और गेट कीपर्स का घर, मतलब ट्रिगर मत होना, यहाँ पास मेरे फ्रेंड्स लोगों का घर है भाई। तो यहाँ पास पूरे उन लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स है, इन लोगों को जरूर से फॉलो करना भाई, क्योंकि इन लोगों की मदद से ही मेरा इतना अच्छा वर्ल्ड बन पाया था। तो ये भी तुम लोगों को मिल जाएगा भाई वर्ल्ड की लोकेशन पे। और यहाँ है हम लोगों का सुंदर सा मैप, तो तुम लोगों को यहाँ दिख रहा होगा वेलकम टू एंडलेस वर्ल्ड। और तुम लोगों को मैं जो फार्म दिखा चुका हूँ भाई वो है यहाँ पास वूल फार्म, हम लोगों का पोटेटो फार्म, पंपकिन फार्म, तो यहाँ पास है हम लोगों का चिकन फार्म, और ऊपर तरफ है यहाँ पास फर्नेस एरिया। तो जो हम लोगों का अभी गन पाउडर फार्म है वो भी मैं शोकेस करूंगा, और यहाँ पास है हम लोगों का घर, और फाइनली यहाँ पास आ जाता है हम लोगों का चेस्ट रूम जिसके अंदर पूरी इन्वेंट्री मैनेज होती है, और ये है हम लोगों के बोको विलेजर्स लोगों का घर। भाई पता नहीं इन लोगों का इतना बड़ा एरिया काहे दिया हूं मैं, लेकिन ठीक है भाई। इसके अलावा दो और फार्म
नाम से, इसको भी हम लोग अभी नेक्स्ट चलते हैं देखने के लिए। तो भाई मैं थोड़ा बहुत इलाइट्रा लेके आ गया हूँ वापस से। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं गाइस हम लोगों के दो और छोटे छोटे फार्म की, जो कि है यहाँ पास ये बैम्बू फार्म, और मेरे ख्याल से इसकी इन्वेंट्री फुल हो चुकी होगी, या तो यार यहाँ का जो कार्ट है वो गायब हो गया होगा। तो मेरे ख्याल से इसकी इन्वेंट्री फुल हो गई है भाई, और काफी अच्छे से वर्क करते हैं ये सारे फार्म। बेटर कंडीशन पे वर्क करेगा कि नहीं भाई उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सब मैं जावा के अकॉर्डिंग बनाया था, लेकिन तुम लोग वर्ल्ड डाउनलोड करके जरूर देख सकते हो। वापस से बात कर लेते हैं भाई हम लोगों के शुगर केन फार्म की। तो ये भी पहले उधर हुआ करता था, लेकिन अब हम लोग इसको इधर बना दिए हैं, और इस बार ये डबल्ड है। तो तुम लोग समझ सकते हो कितनी स्पीड से हम लोगों को मिलता होगा। और यहाँ से है अब हम लोगों का सीक्रेट लोकेशन इस चेस्ट एरिया में जाने के लिए भाई। तो इस तरीके से हम लोगों का ये पूरा चेस्ट रूम है। यहाँ के भी सारे आइटम फ्रेम तुम लोगों को अभी नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि जैसे कि तुम लोगों को बताया भाई वर्ल्ड डाउनग्रेड हो गया था, तो इसको भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो भाई यहाँ पास बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जिससे वर्क करता है ये। सिंपली तुम लोगों को यहाँ पास इस वाले चेस्ट में डालना रहता है आइटम, और वो चले चले जाते जाते पूरे में डिस्पेंस होके मिल जाता है तुम लोगों को। तो इससे पहले हम लोग गाइस आगे बढ़े वीडियो पे, मैं तुम लोगों को कहना चाहूंगा कि भाई जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके बिना तो भाई क्या ही है। यहाँ पास हम लोगों के थोड़े बहुत सर्कल बॉक्सेस भी पड़े हुए हैं जिसके अंदर आइटम होगा मेरे ख्याल से। फिलहाल यहाँ पास कोई यूज की चीज नहीं है तुम लोगों के, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस तो चलता रहता है भाई। और ऊपर तरफ है हम लोगों का वीट फार्म, तो इसको भी तुम लोगों को दिखा देते हैं भाई। ये दिखता नहीं है मैप में शायद, लेकिन काफी ज्यादा सही है भाई ये वाला, और अभी फिलहाल पूरा भरा हुआ है। मैं इसको अभी यूज नहीं किया हूँ रिसेंटली, लेकिन काफी सही वर्क करता है ये भी। और एक्चुअली मैं इसको ऊपर बनाने का कारण ये था कि भाई हम लोगों का जो गन पाउडर फार्म है वो AFK रहने के कारण ही वर्क करता है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने गन पाउडर फार्म की तरफ। और वेलकम तो पता नहीं मैं अभी क्यों दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन गन पाउडर फार्म काफी ज्यादा ओपी है भाई। मतलब एक घंटे में 1500 प्लस इसमें मिल जाते हैं। और अभी हम लोग चलेंगे इसके बाद हम लोगों के आयरन फार्म की तरफ, जो कि यार अभी तक मैं शोकेस किसी भी वीडियो में नहीं किया हूं। बहुत ज्यादा ओपी है भाई आयरन फार्म तो। तो यहां पर सिंपली ऊपर तरफ जो AFK रहने से ज़ॉम्बीज़ स्पॉन होते हैं और क्रीपर स्पॉन होते हैं, उससे हम लोगों को गन पाउडर मिल जाता है। यहाँ पास फिलहाल कुछ है नहीं, क्योंकि मैं पूरा यूज कर लिया था TNT बनाने के लिए। तो गाइस अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों का जो आयरन फार्म है वो किस तरफ है। तो भाई पहले वो नॉर्मल वर्ल्ड के पास ही हुआ करता था, लेकिन अभी हम लोग उसको रिमूव करके दूसरी तरफ दे दिए हैं। तो अगर तुम लोगों को जानना है कि वो किधर है, तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली हम लोगों के जो एन्चेंटमेंट वाला एरिया है उससे थोड़ा सा आगे तरफ आओगे तो तुम लोगों को यहाँ पर दिख जाना चाहिए वो। और ये रहा भाई, तो हम लोग इसको इतना दूर इसलिए बनाया क्योंकि ये नेदर से कनेक्टेड है और पूरा नेदर से वर्क करता है। यहाँ पर हम लोगों के जो ज़ॉम्बीज रहते हैं, अभी पता नहीं यहाँ से कैसे गायब हो गया है, पता नहीं शायद मर गया होगा। तो यहाँ पर जो ज़ॉम्बी है भाई उसके कारण हम लोगों का पूरा फार्म वर्क करता है, और काफी ज्यादा सही है भाई। तो गाइस ये थे हम लोगों के सारे फार्म। मेरे ख्याल से मैं सारे फार्म्स को बता ही दिया हूँ। अगर कुछ नए भी बताया होगा तो भाई तुम लोग मेरे पुरानी सर्वाइवल टूर की वीडियो को जरूर चेकआउट करना भाई, उसमें मैं और अच्छे से शोकेस किया हूँ। लेकिन फिलहाल हम लोग अब चल लेते हैं हम लोगों के बेडरॉक एडिशन के बारे में बात करने के लिए, कि अब हम लोगों को बेडरॉक एडिशन में क्या क्या करना पड़ेगा जिससे तुम लोगों का जो वर्ल्ड है वो तुम लोग खेल पाओगे। तो गाइस तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिख रही होगी, तुम लोगों को सिंपली यहाँ पास आ जाना है। सिंपली उसको क्लिक करते ही तुम लोगों का डाउनलोड कंप्लीट हो जाना है, और एक बार वो हो जाएगा तो तुम लोगों को उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और वो एक्सट्रैक्शन वाली फाइल जो रहेगी, यही हम लोगों के एंडलेस वर्ल्ड की लोकेशन फाइल है भाई, जो तुम लोगों को पेस्ट करना है अपनी डायरेक्टरी में जहाँ पर सारे वर्ल्ड रहते हैं। और अगर तुम लोगों को वो डायरेक्टरी नहीं दिख रही है तो मेक श्योर कि तुम लोगों का जो गेम है वहाँ पर जो स्टोरेज लोकेशन सेट है वो एक्सटर्नल पे सेट होना चाहिए। और एक बार एक्सटर्नल में सेट करने के बाद तुम लोगों को एक ब्लैंक वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि वो जो वर्ल्ड की फाइल है वो तुम लोगों के डायरेक्टरी में दिख जाए। और एक बार तुम लोग कोई भी टेम्पररी वर्ल्ड क्रिएट करोगे तो तुम लोगों को एक गेम नाम का फोल्डर दिखेगा तुम लोगों के फाइल मैनेजर में, और वहां सिंपली अंदर में जाने के बाद माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में जाने के बाद तुम लोगों को दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर तुम लोगों को सिंपली उसको पेस्ट कर देना है, और वापस गेम में आते ही तुम लोगों का वर्ल्ड जो है वो वर्क करने लगेगा। तो गाइस आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और तुम लोगों को वर्ल्ड डाउनलोड करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आता है भाई तो फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता देना, और बताना कि ये वर्ल्ड कैसा लग रहा है तुम लोगों को भाई। मतलब काफी लंबे समय की मेहनत है ये, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हम लोगों को 6 महीने हो गए इस वर्ल्ड को बनाते हुए। आई नो काफी ज्यादा समय लग गया बनाने में, लेकिन यार कैसे करूं, मैं इसमें काफी सारी चीजों को तोड़ के दोबारा से भी बनाया था। तो चलता हूं भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक जरूर कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और उसके बाद वर्ल्ड डाउनलोड कन्वर्ट करने में तो मेरे को बहुत ही ज्यादा समय लग गया था। एनीवे थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।